नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस इंडिया। न्यूज प्लस इंडिया के साथ मैं यास्मीन खान। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। मथुरा में हवसी दरिंदे का काला कारनामा, पहले युवती से किया दुष्कर्म, फिर दर-दर ठोकरे खाने के लिए छोड़ा। प्रशासन बना मौन, नहीं सुन रहा फरियाद, फरियाद के लिए दर-दर भटक रही युवती। और मैं अंदर से वो चिल्लाती रही थी कि मुझे भैया से मिलना है, मुझे सबसे मिलना है, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया किसी ने भी। आपके संग पुलिस की मौजूदगी में आपके संग मारपीट कर गई थी? उन्होंने मुझे बंद कर दिया था, तब उन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी और बंदूक दिखाते, काफी बड़ी बंदूक इनके घर में हमेशा रहती है। एक डेढ़ महीने तक मुझे ऐसे, एक डेढ़ महीने बाहर घुमा के फिर घर पे रखा, घर पे भी मुझे कैद करके रखते थे, बंदी बना के रखा मुझे, और डेली डराते धमकाते थे, दवाइयाँ देते थे कि, और उसकी माँ बोलती थी तेरा बच्चा हो जाएगा तो सब पता चल जाएगा तुझे जो है। तब हम मतलब बच्चे के लिए जो है डेली कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए उसका बाप भी जो है डेली आता, बंदूक लेके दिखाता और धमकाता मुझे जो है। बाप का क्या नाम था? उसके बाप का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन बाबू सिंह नाम है उसके बाप का। और ये स्कूल के प्रबंधक थे? ये उसके बाप का नाम है, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल है वो सत्यवान है, और मेरी जबरदस्ती कहीं पता नहीं किसी आर्य समाज मंदिर में ले गए, वहाँ भी मुझे डरा धमका के, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे होश ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और मेरी मानसिक रूप से भी हालत ठीक नहीं थी, दवाइयाँ भी चल रही थी मेरी जो है, और उसी चीज का इन्होंने फायदा उठाया और मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करके ये मुझे यहाँ लेके चले गए। तो आपके परिवार वालों से कैसे मुलाकात हुई आपकी? मैं वहाँ पे घर पे कोई भी नहीं था, उसकी माँ थी, तो वहाँ से मैं 24 तारीख को दोपहर को वहाँ से भाग गई, क्योंकि 2 या 3 बजे तक वो घर आ जाते तो मैं नहीं निकल पाती, इसलिए मैं उससे पहले ही वहाँ से भाग गई। लेकिन वो जब जैसे ही मैं भाग रही थी, मैंने अपना बैग, वो बैग भाग रही थी तो उसकी माँ मुझे हाथ पकड़ लिया था मेरा, कुंडी तो मैंने खोल ली गेट की, लेकिन हाथ खोल के उन्होंने हाथ पकड़ लिया, ऊपर का वो खोलने लगी, तभी वो मेरे पीछे भागने लगी जो है, वो मुझे भागने नहीं था, तो मैं वहाँ से ऐसे भाग के निकल के आई थी वहाँ से। आने के बाद में आपके परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत करी थी? हाँ, हम थाने गए जो है, 100 नंबर पे भी कॉल किया, और थाने में भी कोई रिपोर्ट ही नहीं लिख रहा था जो है, लेकिन 100 नंबर पे कॉल किया, फिर वो वहाँ 100 नंबर पे कॉल करने के बाद पुलिस आई, उनकी फिर उन्होंने रिपोर्ट, बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज की, कोई पुलिस वाला जो है कोई वो नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जो है इसके, की जो ना अगर एक लड़की जो ना अगर इस तरीके से अगर किसी लड़की के साथ ऐसी घटना हो तो पुलिस वाले इस तरीके से उसे भटकाएंगे, कोई नहीं करेगा जो ऐसे, अगर कोई पैसे वाला है तो पैसे क्या हमें दिखाएंगे जो है वो। तो अभी बताया था कि जैसे अभी बात हुई।